हाउ टू मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट इन बंधन बैंक ऑफिशियल एप्लीकेशन। जी हाँ सही सुना दोस्तों, अगर आप बंधन बैंक से मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करना चाहते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप अपनी ऑफिशियल एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो सिंपली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन आता है, तो इसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो सिंपली मैं एक्सेप्ट पर क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखता है, जैसे कि अकाउंट नंबर, उसके बाद CIF नंबर, तो अकाउंट नंबर फिल कर दीजिए। उसके बाद CIF नंबर फिल कीजिए। करने के बाद यहाँ पर ब्रांच कोड फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करना है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इंटरव्यू और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपका बैंक पे है उसको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद इंटर कैप्चा, तो इंटर कैप्चा यहाँ पर जो कैप्चा दिखता है इसको फिल करना है। फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल पर एक OTP आया होगा, उस OTP को यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है इंटरव्यू वन टाइम पासवर्ड OTP, तो यहाँ पर OTP फिल करना है। उसके बाद कॉन्फर्म ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कॉन्फर्म ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बोल रहा है आई हैव माई ATM कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विदाउट ब्रांच विजिट, तो आपको ब्रांच जाने का ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर क्लिक कीजिए और सबमिट पर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक दूसरा ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर बोल रहा है बिलिंग इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आपको पे बाई डेबिट कार्ड दिखता है। उसके बाद यहाँ पर डेबिट कार्ड नंबर टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको बोल रहा है वैलिड थ्रू एक्सपायरी डेट, तो यहाँ पर आपको आपका ATM कार्ड का एक्सपायरी डेट डालना है, जैसे कि मंथ एंड ईयर डालना है। उसके बाद कार्ड होल्डर का नेम, तो कार्ड होल्डर का नेम डालने के बाद यहाँ पर बोल रहा है ATM पिन डालना है। डालने के बाद टाइप द कैप्चा कोड, तो यहाँ पर आपको ऊपर कैप्चा दिखता है उसको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद बोल रहा है प्लीज़ वेट योर ट्रांजेक्शन बैंक प्रोसीड, थोड़ा सा प्रोसीड लेगा। प्रोसीड लेने के बाद आपके पास एक दूसरा ऑप्शन आ जाता है, इंटर योर यूज़र नेम, तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पर बोल रहा है इंटर योर लॉगिन पासवर्ड, तो आपको लॉगिन पासवर्ड डालना है। डालने के बाद फिर से इसको कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। सक्सेसफुल रजिस्टर्ड मोबाइल बैंकिंग, तो यहाँ पर आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के इसको कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको ट्रांजेक्शन ID बनाना है, जैसे कि आप मनी ट्रांसफ़र करते वक्त आपको ट्रांजेक्शन पिन चाहिए, तो यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड टाइप करना है। टाइप करने के बाद दोबारा उसको कन्फर्म करने के लिए फिर से ट्रांजेक्शन पासवर्ड कन्फर्म करना है। उसके बाद सिलेक्ट कंट्री, उसके बाद इंटर योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो दोबारा मोबाइल नंबर टाइप करना है। टाइप करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपके पास एक OTP आता है, उस OTP को यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद कॉन्फर्म ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कॉन्फर्म ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बोल रहा है योर यूजर नेम एक्टिवेटेड सक्सेसफुल, तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इसी तरह से आपका मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों। आई होप वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तब तक के लिए बाय।